इसके पीछे एक कारण है कि पिछले 5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ झूठे वादे किए और किसानों को, नौजवानों को प्रताड़ित किया, और साथ ही साथ क्योंकि मैं भदोही के विधायक हूँ, 5 साल मैं विधायक था, 12 से 17 तक 5 सालों में जो मैंने काम किया था भदोही के विकास के लिए, यहाँ के विधायक ने वो सारे विकास काम को रोक दिया। इससे जनता में समस्या उत्पन्न हुई, और बीज रोक दिया गजिया का, अस्पताल बनकर तैयार था उसको काम नहीं होने दिया, रोडवेज बनकर तैयार था और कारपेट मार्ट बनकर तैयार था। और बड़े शर्म की बात है कि जब भदोही में हमारे कार्यकाल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी मुख्यमंत्री थे, मार्ट का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, लेकिन योगी जी मोड़ में आते हैं, भदोही में आते हैं, वो कहते हैं कि मार्ट मैंने बनवाया। इस मुख्यमंत्री, किसी भी मुख्यमंत्री को इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ को जनता ने पकड़ा और उसका संदेश गलत गया। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ को और यहाँ के विकास, विधायक के विकास काम जो ने रोका, इसके वजह से यहाँ के आवाम खुद चुनाव लड़ रही है। विधायक जी, इसे क्या इसमें भदोही समेत पूरे प्रदेश में क्या सपा की स्थिति? देखिए, पहली बार तो हम समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, वो हर चैनल पे आ रहा है कि भारी बहुमत से माननीय अखिलेश यादव जी गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। लेकिन चूंकि हम विधायक हैं, विधायक होने के नाते जहाँ तक भदोही की बात है, भदोही में जो काम उन्होंने रोका, चाहे वर्बीज हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे मार्ट हो, सिर्फ उन्होंने अपना विकास किया, भाई को अध्यक्ष बनवाया, प्रमुख बनवाया, प्रधान बनवाया, सिर्फ एक ही लक्ष्य उनका था, ठीक है, पट्टा करके जनता के गाड़ी कमाई को लूटना। और यही वजह है कि आज जनता भदोही के चुनाव हमारे साथ खड़ी है। हमारे पास एक ही गाड़ी स्कॉर्पियो है जो 2014 में मैंने खरीदा था, LIC की एजेंसी से मैं अपना परिवार चलाता हूँ। अब मुझे खुद नहीं समझ आया कि एक गाड़ी, एक दो मोटरसाइकिल में चलता था, पीछे पीछे जनता ने चुनाव लड़ा। ये इस बात का प्रमाण है कि आदमी का करेक्टर, आदमी का नेचर, आदमी अगर क्षेत्र का विकास रहेगा तो आदमी जात धर्म से उठकर उसके साथ खड़ा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।